to start a new lesson, that is my elder brother. Elder means bade, brother means bhaiya, so bade bhaiya. This is a Hindi story, okay. Originally it is written in Hindi by Munshi Premchand. A naam tha iska mere bade bhaiya, theek hai. So this is the English version of the story, and you are able to see this picture. This person is Premchand. He was a great writer. प्रेमचंद वॉज हिज पेन नेम. पेन नेम मीन्स वो अपनी स्टोरीज जो है वो इस नाम से लिखते थे. वैसे उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज नियर बनारस इन 1880. ही डाइड एट द एज ऑफ 56. ऑल दो हिज फैमिली वॉज इन वेल्दी, प्रेमचंद रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन इन पर्शियन एंड उर्दू. He wrote in Urdu but switched in Hindi later. So he was a great writer who wrote in Hindi as well as in Urdu language. He has written many stories. ठीक है, बहुत सारी stories लिखी हैं, बहुत popular stories लिखी हैं. Many of the stories were later on translated in different languages. बाद में बहुत सारी stories इनकी translate भी हुई हैं. मतलब एक हिंदी या उर्दू में लिखी हुई स्टोरीज को बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी दूसरे राइटर्स ने सेम स्टोरी को लिखा है. सो एक्चुअली दिस स्टोरी इज लाइक अ ड्रामा, ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में सीन वन. इट्स लाइक अ ड्रामा. सीन है एक हॉस्टल रूम है, और हॉस्टल रूम जैसे आपने स्कूल्स में अपने देखा है, स्किट करते हैं तो उस तरह का आपको सीन दिखाते हैं. घर का सीन है तो आपने देखा होगा कुछ कुछ टेबल चेयर, कुछ फ्लावर पॉट इस तरह से रख देते हैं. ड्राइंग रूम का सीन है तो लाइकवाइज इसमें भी एक सीन चल रहा है. फर्स्ट सीन है हॉस्टल रूम. हॉस्टल रूम है, हॉस्टल्स तो आप जानते ही हैं व्हाट आर हॉस्टल्स, जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं घर से दूर. टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मीन्स जो उससे छोटा है, छोटा भाई मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. नाउ सी दिस इज द सीन ऑफ अ हॉस्टल रूम. दिस इज भैया एंड दिस इज मुन्ना. भैया, नाउ भैया इज सेइंग व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. मुन्ना इज सेइंग आई एम ड्राइंग. भैया, व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. बिकॉज भैया इज बड़े भैया हैं, बिग ब्रदर हैं, ही इज अ बिग ब्रदर. सो ही इज इंक्वायरिंग अबाउट हिज स्टडी कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा है कि नहीं. बिकॉज मम्मी पापा तो है नहीं. अब आप घर में रहते हो तो आपके मदर फादर ही पूछते हैं आपसे कि आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की कि नहीं की, कितनी देर पढ़ाई की, होमवर्क फिनिश किया, ठीक है. सो नाउ दे आर लिविंग अलोन इन अ हॉस्टल, सो विदाउट देयर फैमिली. सो भैया इज टेकिंग केयर ऑफ हिज स्टडीज ऑल्सो. मुन्ना टर्निंग पेल. टर्निंग पेल मीन्स जब हम से गलती हो जाती है और कोई हमसे सवाल जवाब करता है तो हम घबरा जाते हैं, ठीक है. उसको टर्निंग पेल उसका मतलब है. आई वॉज प्रेइंग, भैया हाउ कैन यू सिट विद बुक्स फॉर आवर्स टुगेदर. भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. सो भैया इज सेइंग why he study for hours together. क्यों इतना पढ़ते हैं? Because he wants his foundation to be strong. Foundation means what? जब आप घर बनाते हैं, जब घर बनता है तो सबसे पहले उसका बेस तैयार होता है, ठीक है. जिसको नींव बोलते हैं, तो आपने सुना होगा वर्ड हिंदी में, ठीक है. उसी को फाउंडेशन कहते हैं. तो एजुकेशन की फाउंडेशन क्या है? अगर आप 1, 2, 3 नहीं सीखेंगे, सीधा आपको कोई प्लस माइनस सिखाने लग जाए तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको काउंटिंग ही नहीं आती है, नंबर्स ही नहीं आते हैं, ठीक है. अगर आपको प्लस माइनस नहीं आते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख सकते, ठीक है. तो आपको बेस, अपना फाउंडेशन क्लियर रखना होता है, ठीक है. नहीं तो आगे की जो स्टडीज़ है वो आपको नहीं समझ में आएंगे. बिकॉज वो क्या होता है, आपका जो जब आपको जैसे प्राइमरी में अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, सेकेंडरी में जाओगे आपको जो सिखाएंगे वो आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना. So if the base is strong then the building will stand firmly. Firmly means मजबूती से. अगर बेस सही होगा तो बिल्डिंग भी सही तरीके से firmly खड़ी रहेगी.
Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Why भैया is saying like that? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई बार उनको एक ही क्लास में 2 साल बिताने पड़ते हैं, फेल हो जाते हैं, 2 साल उनको लग जाते हैं पास करने में एक क्लास को, इसलिए वो इस तरह से कह रहे हैं। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। 5 years ओल्डर मीन्स 5 साल आप बड़े हैं एंड 3 classes अहेड ऑफ मीन्स अहेड मीन्स आगे, 3 classes आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, 1 sentence मोर देन 20 times एंड कॉपी सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स। तो आप इतनी बार कॉपी, एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखते हैं उस और एक ही चीज़ को बार बार लिखते रहते हैं वर्ड्स को ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, मुझे समझ नहीं आता है। व्हाट भैया इज सेइंग, यू नो स्टडी इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रिमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत, ठीक है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। अब भैया उसको डांट रहे हैं मुन्ना को कि जब तुमको चांस मिलता है तुम तो भाग जाते हो फील्ड की तरफ, फील्ड मीन्स खेत, प्ले मार्बल्स, मार्बल्स खेलते हो कंचे, एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग, आइडलिंग मीन्स बिना किसी काम के ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है, बातें करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिना कुछ काम किए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तो आप स्टडी नहीं कर सकते हो बैठ के। मुन्ना इज सेइंग, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो नाउ। मुन्ना इज ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक, टॉपिक मतलब वो भैया उसको बार बार डांट रहे हैं, उसने सोचा मैं भैया का ध्यान भटका देता हूँ, किसी और बात में लगा देता हूँ ताकि भैया डांटना बंद हो जाए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। अब भैया उसको समझा रहे हैं कि तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं मेले में गया हूँ, ये क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखा है। आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स। भैया कह रहे हैं कि चाहे मुझे 2 साल पढ़ना पड़े एक ही क्लास में, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, बस और सिर्फ पढ़ना ही चाहता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम। भैया उसको समझा रहे हैं कि मैं तो 2 साल में एक क्लास पढ़ के आगे पास हो जाता हूँ, बट तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो फेल ही हो जाओगे, एक ही क्लास में रह जाओगे पूरी लाइफ। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, कितनी मेहनत से हमारे पापा अर्न करते हैं मनी और तुम उनको उसको वेस्ट कर रहे हो, हमें इतने मुश्किल से उन्होंने यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए हॉस्टल में, लेकिन तुम तो वेस्ट कर रहे हो उनका पैसा। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मीन्स डांटने से मुन्ना रोने लग गया, एंड सॉबिंग साउंड्स, और सॉबिंग मतलब जैसे हिचक हिचक के रोते हैं ना, उसको बोलते हैं सॉबिंग, साउंड आने लग गई, जब हम रोते हैं तो साउंड भी आती है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। पर मुन्ना क्या चाहता है अब कि वो यहाँ से चला जाए, अपने घर वापस चल जाए, क्योंकि वॉज सो सैड नाउ कि भैया ने उसको इतना डांटा, तो दैट्स वाई ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। तो भैया इज नाउ उसको कंफर्ट कर रहे हैं कि अब तुम रो मत, नाउ आई विल प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, बट मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा जिससे तुम्हें स्टडीज करने में हेल्प मिले। सो दिस इज द टाइम टेबल दैट भैया हैड मेड, 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। मतलब आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है। 6 to 8 AM इंग्लिश यू हैव टू स्टडी, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल। वाई दे आर राइटिंग 3:30 PM ऑफ टू स्कूल मीन्स स्कूल जाना है, सेकेंड शिफ्ट आपने सुना होगा कई स्कूल्स में सेकेंड शिफ्ट लगते हैं, ठीक है, तो उनका स्कूल भी इसी तरह से है, तो सेकेंड शिफ्ट का स्कूल है तो 3:30 PM दोपहर में लगता है, इवनिंग में लगता है, इसलिए टाइम टेबल्स अकॉर्डिंगली बनाया है। 5 to 6 PM ग्रामर,
हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन्स जैसे ही आप घूम सकते हो, एक वॉक ले सकते हो. 6:30 to 7 PM इंग्लिश कॉम्पोजिशन, देन डिनर. 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, चेंज करना, या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना. 9 to 10 PM हिंदी, एंड देन 10 to 11 अदर सब्जेक्ट, एंड देन टू बेड. नाउ सी कैसा मुश्किल टाइम टेबल है ये मन्ना के लिए, बिकॉज देर इज़ नो टाइम फॉर प्लेइंग, नो टाइम फॉर टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ऐसा कुछ टाइम नहीं दिया भैया ने उसको. मुन्ना, बट वेन इज़ द टाइम टू प्ले? भैया, प्ले वॉट इज़ द नीड? मुन्ना, भैया को लगता है कि खेलना ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरत है खेलने की, इसलिए मैंने इस भैया ने जो टाइम टेबल बनाया है उस पूरे टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई है. मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो. टच एंड गो गेम आप खेलते हो, एक दूसरे को छू के भागते हैं, जिसमें पकड़म पकड़ाई भी बोलते हैं आप उसको. एंड हुतु तु साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग. सो मुन्ना इज सेइंग कि उसको तो खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसको तो ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट आयरन को खींचता है अपनी तरफ, वैसे ही जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है वो उनसे. आई फॉरगेट एवरीथिंग, और जब वो खेलना शुरू करता है तो सब कुछ भूल जाता है. नाउ सीन टू, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट. भैया हैज़ फेल्ड एंड मुन्ना हैज़ पास्ड. भैया, आलास, जब हम दुखी होते हैं तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, आलास, या जैसे आप हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं हाय, है ना, दुखी जब आप होते हो, दुखी होते हो. आई हैव फेल्ड वंस अगेन. मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. अब क्या हो गया, भैया तो फेल हो गया, मुन्ना पास हो गया है, पहले उनके बीच में 3 classes का डिफरेंस था, बट अब रिजल्ट के बाद क्या हो गया, ओनली 2 years का डिफरेंस ही रह गया है दोनों के बीच में क्लासेस का. भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. सो भैया इज ट्राइंग टू स्कोल्ड, भैया इज स्कोल्डिंग हिम दैट अब उस प्राउड मत फील करना, घमंड मत करो कि तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गया हूँ. डोंट थिंक दैट यू आर स्मार्ट एंड आई एम स्टूपिड. वंस इन अ वाइल इन अ गिली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम. कभी गिली डंडा गेम में अगर आप कभी जीत गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर हो गए और हमेशा जीतोगे ही, ठीक है. तो इसी तरह से भैया उसको समझा रहे हैं कि तुम ये मत समझो एक बार पास हो गए हो तो अब तुमको सब कुछ आ गया है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. वैन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जिब्रा और ज्योमेट्री. एल्जिब्रा और ज्योमेट्री बेटा मैथ्स के ही पार्ट हैं, मैथ्स में पढ़ाया जाता है इसको. इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. Spare you मतलब छोड़ेंगे नहीं तुमको. They want you to learn word by word from the textbooks. Now this is the fault that भैया is doing. भैया क्या कर रहे थे, वो word to word रट्टा मार रहे थे टेक्स्ट बुक्स में से, इसलिए क्या होता था एग्जाम्स के टाइम वो भूल जाते थे और फेल हो जाते थे, ठीक है. बट मुन्ना क्या करता था, उसको लर्न करता था, मतलब उसको समझने की कोशिश करता था अपनी स्टडीज़, अपनी क्वेश्चन आंसर्स को, तो इसलिए वो पास हो जा रहा था. लेकिन भैया उसको समझा रहे हैं कि तुम ये मत समझो, हायर स्टडीज़ तो और ज़्यादा मुश्किल है और तुम सोचो कि खेलने से सब कुछ हो जाएगा. मुन्ना, ओह भाई साहब दिस इज़ स्कैरी. स्कैरी मीन्स डरावना. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ, बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास. सो मुन्ना कह रहा है कि मैं तो 9th class से अभी से डरने लगा हूँ, आप मुझे इतना बता रहे हैं इतना टफ है, मैं तो सिर्फ अपना होमवर्क पूरा कर लेता हूँ ताकि मुझे डांटना पड़े स्कूल में. भैया सिंह, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी मीन्स टाइम से सब काम करना, उसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी. सो इन हायर क्लासेस यू हैव टू राइट एसेज, ऐसे हिंदी में बोलते हैं निबंध, ठीक है.
सो फोर पेजेस कैसे लिखना है एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन फोर पेजेस स्टिल बी शॉर्ट इट्स ऑल्सो मिक्सड अप. शॉर्ट ऐसे बोल रहे हैं लेकिन फोर पेजेस तक लिखना है तो वो शॉर्ट हुआ या लॉन्ग हुआ. तो भैया बोल रहे हैं देखो शॉर्ट बोलते हैं लेकिन इतना लंबा हमको ऐसे लिखना पड़ता है. मुन्ना थिंकिंग अलाउड थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. मुन्ना अपने मन में सोच रहा है कि अच्छा हुआ स्कूल का टाइम हो गया नहीं तो भैया तो मुझे डांटते ही रहते. सीन थी द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. भैया वॉज रियली अपसेट. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर. जेंटलर मतलब अब उसको डांटना कम कर दिया था मुन्ना को. मुन्ना बिकेम नॉटियर और इससे क्या हुआ मुन्ना और ज़्यादा शैतान हो गया नॉटी हो गया. बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर और कम करना भैया ने डांटना कम कर दिया तो वो उसने पढ़ना भी कम कर दिया. पहले भैया डांटते थे इसलिए वो पढ़ लेता था अब भैया ने डांटना कम कर दिया तो उसने भी खेलना ज़्यादा शुरू कर दिया. मुन्ना टॉकिंग अलाउड आई एम लकी आई कैन पास ईजिली आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. अब क्या हो गया है मुन्ना सोच रहा है कि मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मैं तो ईजिली पास हो जाता हूँ. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. बस मुझे ध्यान रखना है कि भैया मेरे को देख न लें पकड़ न लें काइट्स उड़ाते हुए बाकी तो मैं खूब खेल सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ईजी है. वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. ग्रैब इट मतलब पकड़ने के लिए जब काइट पतंग कटती है तो क्या होता है सब बच्चे आप लोग भागने लग जाते हैं ना काइट को पकड़ने के लिए तो यहाँ पे भी सब बच्चे भागने लगे हैं और मुन्ना भी काइट के पीछे दौड़ रहा है. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया और अचानक से भैया उसके सामने आ जाते हैं. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड मतलब उसका हाथ पकड़ लेते हैं. आरएनट यू अशेम्ड. अशेम्ड मीन्स शर्म नहीं आती है तुमको टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन तुम काइट्स उड़ाते रहते हो. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम एक छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि थोड़ा सा पढ़ाएंगे और हो जाएगा पास कर जाओगे एग्जाम. अब तुम 8th क्लास में हो. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कॉन्ट से एनी थिंग यू आर रॉन्ग आई एम 5 ईयर्स ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी. तो भैया उसको समझा रहे हैं कि अब ये मत सोचो कि मैं अब हमारे बीच एक क्लास का ही डिफरेंस रह गया है मैं 9th में हूँ तुम 8th में हो तो मैं तुम्हें कुछ डांट नहीं सकता. मैं अभी भी 5 ईयर्स ओल्डर देन यू अभी भी 5 ईयर्स बड़ा हूँ मैं तुमसे. अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास. भैया उसको समझा रहे हैं कि समझदारी जो है वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती. तुम ये मत सोचो कि मैं फेल हो जा रहा हूँ तो मैं बुद्धू हूँ और मैं समझदार नहीं हूँ. ही इज़ गिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिज पेरेंट्स कि अपने मम्मी पापा को देखो मम्मी तो हमारी कभी स्कूल नहीं गई और बाबा जो है यानी कि उसके पापा जो हैं फादर जो हैं वो तो सिर्फ 5th क्लास पास हैं. सो मुन्ना इज़ सेइंग रियली भैया इज़ दैट ट्रू. तो मुन्ना को हैरानी हो रही है क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं वो सॉल्व कर देते हैं. तो उसको हैरानी हो रही है कि मेरे मम्मी पापा कभी स्कूल नहीं गए फिर भी वो मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे कर लेते हैं. भैया यस देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी एंड इवन इफ यू हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. कि चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो बहुत इंटेलिजेंट बन जाओ सारी बुक्स पढ़ डालो लेकिन तब भी मम्मी और पापा का राइट होता है राइट मतलब हक होता है कि वो तुम्हें समझा सकें तुम्हें जहाँ अगर तुम गलत हो तो तुम्हें सही कर सकें. नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे. अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे. मुन्ना आई डोंट नो भैया आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. अब मुन्ना वो को आंसर नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँगा मैं तो छोटा हूँ तो मैं तो पापा को फ़ोन करके बुला लूँगा. भैया आहा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. कि मैंने यही सोचा था एक्सपेक्ट करना मतलब पहले से सोच लेना कि यही आंसर दोगे. नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. लेकिन अगर बाबा को पता चलेगा तो बाबा अपसेट नहीं होंगे वो क्या करेंगे सबसे पहले ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर.
कि सबसे पहले वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों कैसे बीमार हो गए तुम, और फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें क्या करना चाहिए। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज़ ट्रू। मुन्ना को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना गलत था, भैया उसको कितना समझा रहे हैं, उसकी भलाई के लिए समझा रहे हैं। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अब भैया उसको समझा रहे हैं कि देखो मुझे भी अच्छा लगता है खेलना, काइट उड़ाना, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सिर्फ खेलता ही रहूँगा तो तुम्हें कौन समझाएगा, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्योंकि मम्मी पापा नहीं है तो मुझे ही सब देखना है ये सब। मुन्ना आई लव यू भैया, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी सबको समझ आई होगी आई होप। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। फाउंडेशन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू मीन्स सॉलिड बेस। शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल, एट वॉट टाइम वॉट थिंग यू वॉन्ट टू डू। ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, ऐसे क्या होता है किसी भी टॉपिक पे हम कुछ पैराग्राफ्स लिखते हैं उसको ऐसे बोलते हैं। आइडलिंग, आइडलिंग विदाउट एनी पर्पज, ऐसे ही बस बिना किसी काम के बिना कुछ किए ऐसे बैठे रहना या लेटे रहना उसको आइडलिंग बोलते हैं। मास्टर्ड, मास्टर्ड मीन्स गेन्ड एक्सपर्टीज, किसी भी काम में जब आप परफेक्ट हो जाओ तब उसको बोलते हैं मास्टर्ड। नाउ क्वेश्चन आंसर, What are the things that मुन्ना likes to do? कौन सी चीज़ें थी जो मुन्ना को पसंद थी? तो आपको क्लियरली पता है मुन्ना likes to play marbles, fly kites, है ना? तो ये सब हमको आंसर्स में भी लिखना है। ठीक है, सो हाउ डू वी राइट हियर, वी राइट मुन्ना wanted to fly kites, play kabaddi, marbles, play marbles also, है ना? ये भी अच्छा लगता था उसको। ओके, नाउ व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया क्या करते थे? तो भैया तो सिर्फ पढ़ाई ही करते थे, सो वी राइट हियर भैया रीड बुक्स ऑल डे। नेक्स्ट, व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फ्रॉम हिम। सो इन क्वेश्चन वी आर यूजिंग व्हाई, सो वी स्टार्ट आवर आंसर फ्रॉम हियर। मुन्ना वाज नॉट हैप्पी with the timetable that bhaiya made for him because there was no time to play in the timetable, games का तो कोई उन्होंने time ही नहीं दिया था, that's why Munna was unhappy. Next question, how do you think Munna feel when his brother was so strict with him? Why was भैया so strict with him? Munna को कैसा लगता था? Munna felt sad, बुरा लगता था ना, उदास हो जाता था वो when his brother was strict with him. This is the answer of the first question. एक ही क्वेश्चन में दो, इस फोर्थ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे ना आपसे, तो हमने फर्स्ट का आंसर तो लिख दिया। नाउ सेकेंड वन, वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? भैया वॉज स्ट्रिक्ट बिकॉज
भैया वॉज स्ट्रिक्ट बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी. मुन्ना स्टडी नहीं करता था, स्टडी मच. एंड वॉन्ट टू प्ले ऑल द टाइम, क्या चाहता था, बस खेलता रहूं. इसलिए भैया को स्ट्रिक्ट होना पड़ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हूज करेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट, मुन्नास और भैया, वाई. नाउ यू हैव टू चूज हूज करेक्टर यू लाइक द मोस्ट एंड यू हैव टू गिव रीजन ऑल्सो क्यों आपको अच्छा लग रहा है. सो फॉर मी आई लाइक भैयाज करेक्टर. लेकिन आप मुन्ना का करेक्टर अगर आपको पसंद है तो आप मुन्ना का नाम भी ले सकते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव रीजन. सो आई एम राइटिंग हियर आई लाइक भैयाज करेक्टर बिकॉज क्यों अच्छा लगते थे, बिकॉज ही वॉज very responsible and caring. बहुत ज़्यादा responsible थे और caring भी थे, अपने भाई की care करते थे and caring. ठीक है. Now let's come to the next question. Use of for and since. कहाँ पर हमको for का use करना है और कहाँ पर since का use करना है. Two examples are given to you. भैया has been studying in the same class for 2 years. For a period of time. For हम कब use करते हैं, when period of time is given but we don't know कि वो time कब का है, present का है, past का है, कब की बात हो रही है. ठीक है, कब से कब तक की जब बात हो रही है हमको definite time नहीं.